आपको आता है हिंदी? हिंदी नहीं। बिल्कुल नहीं आता? कहाँ तक पढ़े हैं आप? क्या बोले, हिंदी नहीं आता है? अच्छा, अच्छा, इससे कपड़ा बना रहे हैं? ये देखो औरतों का ओढ़ने का। अच्छा, डिजाइन कर रहे हैं इसमें? इसने बनाया? आपने बनाया? उधर कुछ बनाया हुआ है तो खा भी सकते हैं, कुछ बनाया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, ये है रसोई। नटे। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि कुकी तो नहीं है। ऐसे बोला माता जी, पूछ रही थी कि ट्रेडिशनल घर बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अंतर होता है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा आपको देखने में पता नहीं चलेगा, मगर थोड़ा सा इसका बनाने का तरीका, मिठाइयों का बनाने का तरीका, कुकियों का बनाने का तरीका अलग 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 है। समुदाय के अलग अलग घर बनाने के तरीका। मीडियम तो एक जैसा है, बांस और पुपरटीना या ग्रासेस, लॉन्ग ग्रासेस हम जो ई कहते हैं, लंबा लंबा ग्रास, घास लंबा 5 feet 10 feet वाला घास। दोस्तों, ये है इस गांव की प्राइमरी स्कूल पहाड़ों के बीच। सब्जी बन रही है ये ऊपर है, वो ऊपर ऊपर कुकी है इस पहाड़ का, और जस्ट नीचे है ये मेथी। अच्छा, इस तरफ इसमें स्टोक करते चावल वगैरह जो स्टोक, उसके लिए बना साल भर का स्टोक करके रखते हैं। अच्छा, और लकड़ी जलाने का स्टोक करके रखते हैं। तो दोस्तों, वही आपको थोड़ा और गांव का कल्चर और गांव का रहन सहन दिखाते हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं, ये लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर हो गए। और इस गांव में लगभग जो लोग हैं वो लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी का मतलब लकड़ी जंगल से काट के लाते हैं और फिर बेचते हैं उसको, ताकि लोग खाना वाना पकाने में उसको काम में लेते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हैं, और यहाँ देखोगे तो इनका ये ट्रेडिशनल घर है। ये क्या? ये कपड़े हैं। अच्छा, इससे कपड़ा बना रहे हैं? हाँ, ये देखो देखो औरतों का ओढ़ने का। अच्छा, डिजाइन कर रहे हैं इसमें। बहुत अच्छा, मतलब काम लोग हैंडीक्राफ्ट वगैरह ऐसे काम भी करते हैं, महिलाएं वगैरह सब मिलके। जैसे ये एक ऊपर से लाइट लगाई है। नमस्ते। तो ये आप ही बनाते? नहीं आता इनको हिंदी शायद, आप बताइए सर। इसने बनाया? आपने बनाया? उधर वो भी आप ही बना रहे हैं? इसका छोटी बहन ने बनाया ये, वो उधर। हेलो,
क्या नाम है? इधर भी ये कपड़ा वगैरह बना रहे हैं, ओढ़ने का, जो महिलाओं को पहनने के जो कपड़े हैं वो ये लोग बनाते हैं। इधर तो है ये पुराना घर है जैसे मिट्टी वगैरह का, और इधर है जो अभी नया बनाया है। हालांकि है तो ये भी मिट्टी का, लेकिन इसके ऊपर क्या कलर किया हुआ है? मिट्टी सीमेंट मिट्टी का। इधर भी है कलर वगैरह करके, काफी खूबसूरत है घर। उस समय का, अभी का भिंडी है, मिर्ची है, जिस समय का जो अभी, हाँ। अभी अभी जो मौसम है तो भिंडी वगैरह, हाँ। तो हर गांव में, हर घर में ऐसे सब्जी वगैरह का ऐसे अपना बागान लगाते हैं। और क्योंकि बाहर खरीदने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा, क्यों हर चीज़ यहाँ होती है ना, इसलिए गांव का लाइफ इधर भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही रेगिस्तान में आप देखोगे वो भी अपना जो भी बारिश के मौसम खेती बाड़ी में जो भी सब्जी वगैरह उसको इकट्ठा करके साल भर चलाते हैं। उसी प्रकार यहाँ तो हरी हरी सब्जी होती हैं, यहाँ मिर्ची लगी हुई है, यहाँ पे भिंडी है, और भी बहुत सारी इसमें सब्जी हैं। यहाँ तुलसी लगाते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण का वो जो एक उसका पसंदीदा पौधा प्लांट है, पौधा है। तो हर घर में होगा ऐसे, हर घर में होगा जो मैं तो या हिंदू है, हिंदू वालों का हर घर में होगा। अच्छा, तो आप ये चीज़ आप यहाँ देखिए मणिपुर में, घर के बीचों बीच ऐसे चौक के अंदर ऐसा एक पौधा, तुलसी का पौधा ऐसे लगाया गया जो हर हिंदू घर में होगा, जो उसको पूजा करते हैं, पीछे से परिक्रमा देके जो सूर्य को जल चढ़ाना हुआ सुबह सुबह का ऐसा रखते हैं, और धूप और कुछ फूल उस पे चढ़ाते हैं शाम के टाइम। अच्छा, सुबह और शाम, सुबह भी इसकी पूजा करते हैं, हाँ, शाम के टाइम श्री कृष्ण को। अच्छा, इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण को मानते हुए एक तुलसी का पौधा लगा देते हैं। एक्चुअली जो अगर यहाँ पे है जो वो वैष्णव समाज के लोग ज्यादा, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ आके बंगाल से जब यहाँ आए तो यहाँ मतलब इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, इस उनके जो अनुयायी है वो उनकी पूजा करते हैं वैष्णव समाज को, और कृष्ण को ज्यादा मानते हैं और उनकी पूजा होती। कुछ बनाया हुआ है तो खा भी सकते हैं, कुछ बनाया हुआ नहीं कोई बात नहीं। ये है रसोई, काफी पुराना है। आप बना लेते हैं खाना वाना? यहाँ के हर औरतें खाना बनाना आता है, बच्चे भी आते हैं, घर का सारा काम। हाँ, इधर आप देख रहे हो लकड़ी को काट काट के सजा के ऐसे रखते हैं और फिर इनको बेचते हैं। सबसे बड़ा जो कारोबार है सर बता रहे कि इस गांव में ये लोग लकड़ी का ज़्यादा काम करते हैं। इस तरफ आप देखोगे तो क्योंकि पास में जंगल भी हैं, और बता रहे कि ये फिर इस लकड़ी को खरीद भी लेते हैं। देख रहे हो आप बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ इकट्ठी कर रखी है। माता जी है वो भी लकड़ियों का बंडल बना बना के ऐसे सजा रहे हैं। नटे, नटे। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि कुकी तो नहीं है ऐसे बोला। हा? माता जी पूछ रही थी कि कुकियों को कुछ देने तो नहीं है। हाँ, मैंने कहा कुछ समझ में आया ऐसे बना बना के इकट्ठा कर रहे हैं। इनके क्या भाव में ये देते हैं कुछ आइडिया? दो में से वो पूनम दे लुपा क्या गया पिया कोई सीधा दिल पा को मंगा इस बंडल में 25 रुपया एक, तीन लकड़ियां चार लकड़ी के 25 रुपये ऐसे। हाँ, बेचते हैं लकड़ी है इसका। ये गांव के लोग रात में यहाँ वॉलंटियर्स रहते हैं, चौकीदारी करते हैं, उनके लिए गांव में भी छोटे छोटे ऐसे बनाए रखे हैं। अच्छा।
तो दोस्तों यहाँ पे मणिपुर का कुछ आपको एक ब्लॉग दिखाते हैं, ट्रेडिशनल घर और किस प्रकार ये लोग रहते हैं, कल्चर किस प्रकार के इनके मड हाउस है, पुराने जो ट्रेडिशनल घर है, परंपरागत लोग मिट्टी के घर बने हुए हैं और पास में छोटे छोटे स्टॉल, चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह करके अपनी आजीविका करते हैं। दूसरा खेती बाड़ी पर भी निर्भर करते हैं। वैली के जो लोग हैं वो ज़्यादातर चावल पे निर्भर है, उनकी ज़्यादातर जो खेती होती है वो चावल होती है। तो इस प्रकार आपको ये दिखाते हैं, छोटा सा एक घर भी है और देखिए कितनी शानदार, बिल्कुल छोटी सी। इस तरफ बेंच वगैरह लगी हुई है और इस तरफ कुछ पकौड़ी है और चाय के कप भी देखो आप, चीनी के बने हुए, डिस्पोजल वगैरह नहीं है। हेलो, आपको आता है हिंदी? हिंदी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हिंदी क्या बोले, हिंदी नहीं आता यूं? अच्छा, 12th पास कर ली, फिर भी ग्रेजुएशन करना शुरू किया है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन हिंदी कम पढ़ाते हैं। ये देखिए पकौड़ी है, यहाँ पे पकौड़ी भी बनती है लेकिन उसकी इधर चाय वगैरह नाश्ता। आपको घर भी दिखाते हैं अंदर से, और यहाँ पे मिट्टी का घर, बिल्ली भी हैं पाल रखी है। यहाँ आप देखोगे तो बिल्कुल मिट्टी के घर बने हुए। क्यों सर? मिट्टी का घर ऊपर टिन है। हाँ, लेकिन यहाँ के जो ट्रेडिशनल घर होते वो किसके, मिट्टी के? इसका, ये वाले मिट्टी का। आजकल तो ये आ गए, टिन भी आ गए, सीमेंट भी आ गए। हाँ, तो ये ट्रेडिशनल नहीं, ट्रेडिशनल ही है। तो पूरा ये जो घर है वो आपको दिखाते हैं, ये मार्केट वाले फलाना, ये बहुत हो चुके हैं। अपने को एक ब्लॉग दिखाते हैं आपको, है पतला है अंदर में, ये बेम्बू का पीस है। अच्छा अच्छा, ये बाहर से सिर्फ मिट्टी बिल्कुल पतली पतली, इसको लेप जो किया गया मिट्टी का है। अंदर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे रसोई है पूरा, और अंदर से भी मिट्टी का लेप है, और बीच में बांस है, बांस का है। दीवार जो बांस की है, दोनों तरफ मिट्टी से लेप किया हुआ है, और आंगन भी बिल्कुल राजस्थान के जो डेजर्ट के घर होते हैं वैसे ही मिट्टी के आंगन वगैरह किया हुआ है। बर्तन भी आजकल स्टील आ गया है ना, एक इधर दिख रहा है पुराना टाइप का कुछ इधर है, तो यहाँ पे ही है पूरा मिट्टी का बना हुआ। अंकल जी बैठे हैं, नमस्ते। ये आप, मेन घर है, आपको आता है? किचन है। अच्छा, मेन जो घर है वो इधर है। ऊपर से तो ये बिल्कुल ऐसे शंकु की तरफ होता है, ताकि बारिश वगैरह आए तो पानी नीचे निकल जाए, इकट्ठा ना हो। ये हर पहाड़ी घर में आपको मिलेगा, इस तरफ पूरा ऐसे घर बनाए हुए। अंदर की तरफ काफी बड़े हैं लेकिन पार्टीशन किया हुआ है, एक ही गेट से काफी कमरे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं काफी अच्छे घर है, लोग भी बड़े प्यारे हैं, मगर वही है हिंदी बहुत कम लोगों को आता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत रहता है। ये चाय और पकौड़ा, और चाय है बिल्कुल वो काली वाली चाय, दूध नहीं है इसमें। आगे नींद नहीं कहलो, इसको क्या बोलते हैं? लाल चाय। लाल चाय नींबू। अच्छा, लेमन चाय, लेमन टी? लेमन टी तो नहीं है, लेमन का वो पीस डाला हुआ। अच्छा, ये
इधर के चाय पीना है। चलो ये एक दिखा दे। संभव नहीं मन होता सब्जी वगैरह बेच रहे हैं, या आलू है और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये कमल का सीड जो है, कमल 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 का फूल है। हाँ, इसका पत्ता गिरने के बाद ये आ जाता है। अच्छा कमल है ये, कमल है। इसकी क्या सब्जी बनती है? सब्जी नहीं, ये फ्रूट की तरह खाते हैं, निकाल निकाल। अच्छा कमल को भी खाते हैं, ये पहली बार सुना मैंने। क्या अच्छा। खाने में कैसा, ये मीठा स्वाद है या? टेस्ट करेंगे अभी गाड़ी। अच्छा तो भाई एक कमल ले रहे हैं, कमल आज पहली बार पता चला कि खाने के काम भी आता है, फल जैसा होता है। और दूसरा ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, ये बांस है, बांस बांस बेंबू बम्बू बेंबू का जो तोप है। हाँ, वो एक तरह का बेंबू है तो हाँ, नीचे ऐसे हिलाएंगे तो तोप के ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाता है। फिर इसका क्या सब्जी बनेगा? अच्छा इसका सब्जी आज खा ले, बांस का भी मैं बनाऊं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सड़कों पे बैठ के ऐसा सब्जी बोल रहे हैं। ये यही होती है आसपास, यही यही यही। ये इधर आप देखोगे तो चावल के खेत हैं, तो यहाँ चावल बहुत होता है। हाँ चावल ही ज़्यादा होता है। ये हाईवे के आसपास के कुछ गांव हैं। हाँ ये कौन सा गांव? ये मालूम मालूम के आसपास, मालूम का गांव, एयरपोर्ट से एक दो किलोमीटर पहले। इस तरफ भी हैं कुछ फल फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं, पाइनएप्पल है, केले वगैरह। ये तो पाइनएप्पल है। फ्रूट्स हैं, केले वगैरह से। ये भी वो बम्बू है, बम्बू क्या बोलते हैं, बम्बू अच्छा अच्छा, बेम्बू का सूट जो जमीन से ऊपर आता है। अच्छा अच्छा, जमीन से यहाँ तक जमीन में आता है। हाँ इतना आने में उसको काट के सब्जी बना के खाते हैं, बड़ा हो गया तो बांस बन गया, बांस बन जाता है। अच्छा 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 है, कल्चरल वाइज देखे थे यहाँ मणिपुर बहुत शानदार जगह है घूमने लायक है, लेकिन बस थोड़ा सा अभी माहौल खराब है। भाई चलते हैं, तो कुछ इस प्रकार का है। अभी सब्जी वगैरह ले रहे थे तो बताया मैंने, कहा देखे हैं थोड़ा।